हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सदाबहार का प्लांट है, विंका का प्लांट है, ये जो विंका का प्लांट है इसको सीड्स से कैसे ग्रो करें। ये काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है। एक ही पॉट में इसके काफ़ी सारे प्लांट होने लगते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो आसानी से कहीं पर गिर गए तो उसमें भी ग्रो हो जाता है। जैसे कि अभी ये पॉट रखा हुआ है मैंने, इसमें सदाबहार का प्लांट है, विंका का प्लांट है, तो इसके पास एक खाली पॉट पड़ा हुआ था, तो इसमें एक सदाबहार का सैपलिंग ग्रो कर गया। ये इसमें ग्रो कर गया ऑटोमेटिकली। तो ऐसा आपने काफ़ी बार देखा होगा, जिसके घर पर ये प्लांट है उनको पता होगा कि ये काफ़ी इजीली मतलब ग्रो कर जाता है इसके सीड्स से। तो अभी ये सीड्स से आप अपने आप कैसे ग्रो करें वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके सीड्स को कलेक्ट कैसे करें। तो ये इसके सीड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर इस प्लांट के सीड्स को हम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें जैसे ही तोड़ा वैसे ही इन्हें सो कर देना पड़ता है। तो इसे हम किसी भी तरह से स्टोर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं पता कि इसको सीड्स कहां पर होते हैं और कैसे कलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये नॉर्मल पॉट ले लिया है हमने। इस पॉट के अंदर अभी ओनली सॉइल का मिक्स ही हमने डाला हुआ है। ओनली सॉइल है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, कोकोपिट नहीं है, सैंड नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली ब्लैक सॉइल है, गार्डन सॉइल। तो ये पॉट काफ़ी टाइम से थोड़ा सा मतलब पड़ा था, तो इसकी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी जाम जैसी हो जाती है कभी कभी, मतलब जम जाती है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी टिलिंग कर देनी है। मैं ये सैपलिंग को भी निकाल दूंगा अभी के लिए, क्योंकि हम इसमें दूसरे सीड्स सोक करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने सैपलिंग को निकाल दिया। ये भी सदाबहार का ही सैपलिंग था। और बाकी ऐसे जो अगर लीव्स आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये जो कुछ इन्फेक्टेड लीव्स है तो मैं इन्हें नहीं रखूँगा, क्योंकि ये कभी कभी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो अब ऐसे आपको कर देना, कचरा इसमें ना रहे तो बेहतर होगा। तो ये पॉट में अभी हमने टिलिंग कर दी है, और अभी मैंने सीड्स भी कलेक्ट कर लिया। आपको कुछ ऐसे सीड्स देखने को मिलेंगे सदाबहार के। तो ये मैंने कुछ इतने सीड्स लिए हैं कि जो मैं इसी पॉट में सो कर दूंगा। आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इसमें डाल दूँगा। ज़्यादा डीप हमें सो नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे सीड्स है। तो हमें थोड़े से हाफ फिंगर जितना ये जो लेवल है, इतने लेवल पर ही हम सो कर देंगे। सारे सीड्स एक ही जगह सो ना करें, थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पर करें। ऐसे एक ही जगह पर होने से कभी कभी ये डीके भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सो हो चुके हैं। अब इसे हम मिट्टी से थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे। ज़्यादा कवर नहीं करना है हमें, क्योंकि डीके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर, इसलिए हमने ज़्यादा डीप भी इसको सो नहीं किया है। और इसको बस अभी हमें ऐसे मिट्टी से कवर कर लिया। अभी हमने सीड सो कर दिए, उन्हें कवर भी कर दिया, तो अभी हम वाटरिंग कर देंगे। आपको अगर स्प्रे करना चाहे तो आप वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं, और ऐसे डालना चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं बॉर्डर्स पर ऐसे डालूंगा, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर्स पर हमने कोई सीड्स सो नहीं किए तो वो डैमेज नहीं होंगे। और ये सीड्स अभी सैपलिंग में कन्वर्ट अराउंड 1 वीक में हो जाएंगे। 1 वीक तक आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, मैक्सिमम 10 डेज। इसमें अभी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, इसे ज़्यादा ब्राइटनेस में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, पार्शियल सनलाइट में रखें तो बेहतर होगा। और इसे रेगुलर वाटरिंग करते रहना है। जैसे कि अभी गुजरात में नवरात्रि ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी बारिश
शुरू हुआ तो हम इसे बारिश का पानी लेने देंगे। बारिश का पानी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है प्लांट्स और सीड्स के लिए, तो आप वो अगर आपके वहाँ बारिश है तो आप देंगे तो चलेगा, लेकिन आपको अगर अपने आप जो वाटर दे रहे हैं आप जो वाटर दे रहे हैं तो आपको वो अराउंड कुछ इंटरवल्स पर देते रहना पड़ेगा। जैसे कि डेली मैं इसमें 500 ml वाटर देता हूँ, क्योंकि ये पॉट की कैपेसिटी के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। पॉट ज़्यादा बड़ा है तो भी आपको ज़्यादा पानी तो नहीं ही डालना है, क्योंकि ये अभी सीड्स है, प्लांट नहीं है कि ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेंगे। और आपको वाटर डालने से पहले उसके मॉइस्चर चेक कर लेना है फिंगर से, ऐसे आपको डिप करना है और आपको पता चल जाएगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते, पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और अगर मेरी कोई इसमें मिस्टेक्स है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वो भी इम्प्रूव करेंगे। तो और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी हम बनाएंगे। सो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।